यह है कराची, दुनिया का 10वां और पाकिस्तान का सबसे बड़ा और मसरूफ़ तरीन शहर। यहाँ पाकिस्तान के तकरीबन हर सूबे से लोग रोज़गार के घर से। यह पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा कमाने वाला शहर तकरीबन लावारिस है। इस शहर की बदकिस्मत यह है कि आज तक किसी भी हुकूमत ने इसे तवज्जो नहीं दी, हालांकि यहाँ की आबादी 2 करोड़ से ज़्यादा है। यहाँ की सड़कें ऐसी हैं कि इंसान का खाना हज़म करवा दें। फुटपाथ को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ के सबसे बड़े 2 मसले हैं, एक मर्दाना कमज़ोरी और दूसरा जादू टोना, क्योंकि यहाँ के फुटपाथों के ऊपर 2 ही जुमले लिखे होते हैं, मर्दाना कमज़ोरी और जादू टोना। लेकिन आज तक सबसे बड़ी बदकिस्मत यह है कि सिर्फ इन माफियाज को भी आज तक किसी ने नहीं पकड़ा जो इन फुटपाथों के ऊपर अपने वॉल चौकिंग करते हैं। यहाँ की आवाम 16 से 18 घंटे लोड शेडिंग बर्दाश्त करती है, लेकिन मजाल है कि 1 घंटे अपने हक के लिए बाहर आ जाए। हम भी कराची के बाशिंदे हैं जो एक मुस्बत तनकीद के गर्ज से मैं बातें कर रहा हूँ कि किसी हुक्मरान को शर्म आए और पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर की हालत बदल जाए। आज के लिए इतने लेक्चर काफ़ी है और बस ये गम और दुखी दास्तान को ख़त्म करते हैं और अब आते हैं अपने मकसद के ऊपर। तो आज जहाँ हम जाएंगे तो आपको पहले बताते हैं कि हम अपने काम की जगह YouTube की वीडियोस बनाने से पहले यानी कि रमज़ान से पहले मैं यहाँ पे काम करता था, लेकिन रमज़ान आने के बाद गर्मी है और ये काम थोड़ा सा सख्त भी है तो काफ़ी छुट्टियाँ करी थी मैंने। तो अभी क्योंकि हालात भी ऐसे हैं कि काम करना पड़ रहा है तो आज से हम अपना काम कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम आपको अपने साइट का विज़िट करवाते हैं, वैसे काफ़ी अच्छी जगह है, आप लोग यहाँ पे एंजॉय करेंगे। यहाँ पे तो भाई आज हम आए अपनी काम की जगह पे, तो काफ़ी चेंजिंग लग रही है। जब हम आए थे यहाँ पर बिल्कुल वीरान कर रही है, यहाँ पे मिट्टी धूल और अभी यहाँ पे रेखा बिल्कुल चेंज हो गया है। उन्होंने यहाँ पर ऑफिस बनाया हुआ है, उनसे पूछेंगे कि तकरीबन एक मिनट का कितना क्या करते हैं। यहाँ पे आया था ग्राउंड फ्लोर का ये पार्किंग है, ये फर्स्ट फ्लोर पार्किंग है, उसके बाद में ये सारा जो फिगर हिस्सा है। सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर है, उसके बाद ये देखिए ये एक एक्टर है यहाँ पे, ये बीच में लिफ्ट की जगह है, ये लिफ्ट की जगह है, रूम करने की। लेकिन इसके प्राइस कुछ नहीं करेंगे, पर प्लेट कितने का मिलेगा यहाँ पे, 3, 4, 5 कमरे के लिए रूम मिल जाते हैं। यहाँ हम ये स्ट्रक्चर का डिज़ाइन हम YouTube भी करते हैं, लेकिन इसके बाद प्लम्बिंग का काम भी करते हैं, क्योंकि सिर्फ YouTube तो ऐसा हमारा हॉबी है, शौक है, और ये है प्रोफेशन। तो एक तरफ YouTube जो प्रोफेशन जो हॉबी है, शौक है हमारा, वैसी वीडियोज़ अपलोड करने के लिए, ये हमारा प्रोफेशन है, ये हमारा काम, ये काम ये होल मशीन है, इसलिए होल होता है। तो हम कराची में काम करते हैं, अगर आपको कराची में किसी भी जगह में प्लम्बिंग का काम करवाना हो प्रोफेशनल तरीके से, प्लम्बिंग का और कटिंग का, तो आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। वो जुड़ी का आ गया भाई, तकरीबन मैं 3 महीने बाद अपनी काम की जगह पे आया हूँ, जो मैं मिस करा था ना उनमें ये भी शामिल है। तो ये हमारे जिगरी यार हैं, यारों के यार, हमारा सराय की भाई, तो इसके हमने बहुत काफ़ी याद किया है।
सुबह मेरा मस्ती जो मैंने वहाँ गुजारा है ना, तो बहुत काफ़ी याद आया क्योंकि इनसे काफ़ी अच्छा टाइम इसके पास पास हुआ था। और कैसे हो यार? अल्लाह का शुक्र कहते हैं। हाँ, ढूंढ गया चल रही है, थोड़ा काम वाम और काम कैसे चल रहा है? काम अच्छा ही चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। दुआ है यार हमारी वीडियो में। ये हमारा भाई आया है पंजाब से, यहाँ कह रहा था आपको पता है कि यार ये बहुत ही उससे गुजारा करता है यार, बहुत ही महंगाई हो गई है, हमें पता है कि किस हालात में ये गुजारा करता है। ये बता, कोई गाना माना सुना हुआ? गाना माना सुना हुआ? मुझे शर्म आती है, शर्म शर्म को छोड़ो, गोली मारो। हालात ऐसे दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, आप गाना को गाते हुए सुनो, क्या कहते हैं, शर्म तुम्हें आ रही है? कुछ सुनाओ अपने, क्या कहते हैं मेरे जो जानने वाले हमारे, कुछ ऐसी शेर सुनाओ, कोई ऐसा सुनाओ ताकि वो हालात ऐसे महंगाई है ये कुछ है तो थोड़ा सा हसीन के शेर के ऊपर आ जाए। जितने भी लोग मकई ने बर्बाद कर दिया और गरीब बेचारा कहाँ जाए, और दो टाइम का खाना बड़ी मुश्किल से पड़ गया। बिल्कुल बिल्कुल। और हुक्मरान को, हुकूमत को अल्लाह हिदायत दे, हम लोग गरीब कहाँ जाए। ये गाने हैं बातें। हमें ऐसा वक्त होगा, हमें टुकड़े के टुकड़े रोटी के खाने पड़ते हैं। You try, you just might get a little bit of trouble, can't